star pattern number 3. So the pattern which we are going to study, you can see on the screen, this is the star pattern that we are going to study today. Okay, now we'll following the four steps that we proceeded with in the last video. What we have to do is, step first, we will mark out the lines. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन स्टार्स के बीच में लाइंस, कॉलम्स और रोज को बना देंगे. तो जल्दी से आइए, चलो चलो बना लेते हैं जल्दी से फटाफट. फटाफट नंबरिंग कर लेते हैं. आई मैंने देखिए लाइन कॉलम्स और रोज को बना लिया है. ठीक है, आई और जे से रिप्रेजेंट भी कर दिया है पिछले वीडियो की तरह. अब हम लोग स्टेप टू की तरह प्रोसीड करेंगे. अब इसमें क्या है, जब हमारा आई 1, 2, 3, 4 और 5 होगा तो जे की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी. अब देखिए, जब हमारा आई 1 है, ठीक है, तो जे की वैल्यूज़ जो हमारी हैं 1, 2, 3, 4 और 5. ठीक है, जब हमारा, ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जब हमारा जो आई है, ठीक है, देखिए ये जो हमारा आई की वैल्यू है यहाँ पे 1, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये 1, तो जब ये आई की वैल्यू 1 हो रही है तो हमारा जे क्या होगा, 1, 2, 3, 4 और 5. ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है नीचे 1, 2, 3, 4 और 5. ठीक है, तो सिमिलरली हमने यहाँ पे लिख दिया. तो सिमिलरली क्या होगा, जब हमारा आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2, 3, 4 और 5. फिर इसी तरह 3 होने पर 3, 4 और 5. ठीक है, फिर इसी तरह 4 और 5 हो जाएगा और आखिरी में ये 5 बचेगा. ठीक है, तो हमने स्टेप 2 को भी फॉलो कर लिया है. उसके बाद हमारा स्टेप 3 क्या होगा, ऊपर वाले स्टेप 2 को देखते रहिएगा. स्टेप 3 हमारा जो होगा वो हो जाएगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे आई और जे की वैल्यूज़. ठीक है, तो आई और जे की वैल्यूज़ लिखने वाले हैं. तो आइए थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लेते हैं ताकि हमें पता लगे कि कौन सा सेक्शन किधर है. तो उसके बाद फिर इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग आप यहाँ देख सकते हैं, जब आई 1 है, ठीक है, आई बराबर जब 1 है तो जे यहाँ पे ऊपर क्या दिया है, 1 से लेके 5 तक है, मतलब वैल्यूज जो हैं वो ग्रेटर देन 1 है. तो हम इसको लिख सकते हैं जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 5 तक इंक्लूड कर लेगा, क्योंकि हम अपनी प्रोग्रामिंग में यहाँ पे ऑलरेडी इनको देखिए, इन लूप्स को देखिए, फॉर में आई की वैल्यू को डिफाइन कर चुके हैं और जे की वैल्यू को भी 1 से लेके 5 तक लेस देन इक्वल टू 5 तक डिफाइन कर चुके हैं. जब यहाँ पे हमने पहले से ही डिफाइन कर रखा है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फॉर्मूले में, फॉर्मूले में हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे. ठीक है, तो इसको जल्दी से लिख लेते हैं. सिमिलरली सारी वैल्यूज को लिख देंगे. 2 के लिए भी हमारा जो है, जब आई की वैल्यू 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी या 5 होगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, जब हमारी आई की वैल्यू 2, 3, 5, 4 और 5 होगी तो जे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा. ठीक है, जे ग्रेटर देन इक्वल टू, ओ सॉरी, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 3. ठीक है, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा, जे ग्रेटर देन और 5 पे जे ग्रेटर देन इक्वल टू 5. अब कहने का मतलब क्या है, समझिएगा इसको. यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि जब ग्रेटर देन इक्वल टू 5 में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो एक ही स्टार प्रिंट करेगा मुझे, क्योंकि वहाँ पे एक ही डिजिट है हमारे पास 5 की. ठीक है, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 4 करेगा तो वहाँ पे 4 और 5 दोनों वैल्यूज आ जाएंगी. ठीक है, सिमिलरली जब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, हमारी जो वैल्यूज हैं ये वाली 3, 4, 5 तीनों आ जाएंगी. जब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 करेगा तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू आ जाएंगी, और जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 करेगा तो ये ऊपर वाली पांचों वैल्यू आ जाएंगी. तो आइए अब चलते हैं जनरलाइज जो की तरफ, जो हमारा स्टेप 4 कहलाएगा. ठीक है, स्टेप 4 में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पिछले वाले वीडियो में आप देखिए जाके तो आपको समझ में आएगा कि इसको हम लोग लिख सकते हैं जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई. ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई. इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो वैल्यू पुट करेंगे जे की, वो आई के बराबर होनी चाहिए. ठीक है, ग्रेट या तो उससे बड़ी होनी चाहिए या तो उसके बराबर होनी चाहिए.
तो यही चीज़ हम लोग क्या करेंगे, जाके प्रोग्राम में जब पुट करेंगे तो हमारा प्रोग्राम चलने लगेगा। कहाँ पुट करना है? इफ़ के केस में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे जे ग्रेटर देन इक्वल टू आई। उसके बाद पूरा प्रोग्राम रन कराएंगे और जो इसका हमारा आउटपुट आएगा, जो इसका आउटपुट आएगा हमारे इस प्रोग्राम का, वो हमारा आउटपुट जो आएगा वो ये आएगा, ठीक है। पर्टिकुलर स्टार पैटर्न यही वाला बन के निकल आएगा। तो आइए चलते हैं पीसी की स्क्रीन पे और देखते हैं कि पर्टिकुलर स्टार पैटर्न कैसे बनेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। ओके, तो चलिए हम लोग आ गए हैं पीसी की स्क्रीन पे और देखते हैं स्टार पैटर्न 3 के लिए कोडिंग जो हमने की थी। तो आइए चले करते हैं शुरू। मैं प्री प्रोसेसर्स को इंक्लूड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से प्रोग्राम को करूँगा स्टार्ट। यहाँ पे दो वेरिएबल्स के लिए जो कि मैंने इंटीजर लिए हैं, तो उनके लिए दो वेरिएबल आई कॉमा जे लिखे यहाँ से एग्जिट करके आगे बढ़ूंगा और यहाँ से क्लियर स्क्रीन का यूज़ करूँगा। यहाँ पे पर्टिकुलरली इसका स्क्रीन को क्लियर करने के लिए लास्ट में आउटपुट स्क्रीन आती है, वो तो बार बार उस पर हमारा आउटपुट रिपीट ना हो इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। और इसके बाद फिर हम लोग अपना लूप को यूज़ करेंगे फॉर, ठीक है। इसमें आई के लिए पहले यूज करते हैं आई इक्वल्स टू 1, फिर आई लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। फिर आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे हम लोग, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया इनका यूज क्यों करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर से हम लोग फॉर लगाएंगे लूप और इसमें हम लोग लिखेंगे जे की वैल्यूज, जे इक्वल्स टू 1 इनिशिएट कहाँ से किया हमने और कहाँ तक रहेगा वो लिखेंगे, तो जे लेस देन इक्वल्स टू 5 तक रहेगा, ठीक है। फिर बढ़ाना है इसको धीरे धीरे आगे स्टार को एक एक बढ़ाना है, तो इसके लिए हम लोग इसका यूज करेंगे क्या, जे प्लस प्लस, इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा देंगे। तो उसके बाद यहाँ से बाहर आएंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे क्या स्टेटमेंट अपना इफ, ठीक है। इफ लिखने के बाद हम लोग ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, जो कि हमने मेरे वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम क्यों लिख रहे हैं इसे, ठीक है। इसको लिखने के बाद हमारी स्टेटमेंट अगर ट्रू होती है तो हमें क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट एफ, हमें स्टार प्रिंट कराना है, ठीक है। तो स्टार प्रिंट करा देंगे हम लोग, और अगर नहीं सही हो रहा तो हम लोग लिखेंगे एल्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ और इसके बीच में स्पेस प्रिंट करा देंगे और यहाँ से करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ एक ब्रैकेट बंद करके अगली लाइन में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे यहाँ हम लोग प्रिंट एफ बैक स्लैश एन, प्रिंट एफ बैक स्लैश एन, उसके बाद बैक स्लैश एन लिखने के बाद यहाँ से बाहर आएंगे और यहाँ पे फिर उसके बाद एक और ब्रैकेट बंद करके नेक्स्ट लाइन में जाके आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हम लोग गेट सी एस का यूज करते हैं। गेट सी एस लिखेंगे यहाँ पे, गेट सी एस लिखने के बाद तो लास्ट में आखिरी ब्रैकेट को क्लोज करके प्रोग्राम को चेक करेंगे और जैसे चेक करेंगे तो हमारा स्टार पैटर्न 3 जो है वो आपकी स्क्रीन पे बनकर आ जाएगा। तो ये हमारे स्टार पैटर्न 3 के लिए कोडिंग थी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।